दिल्ली के मुंडका इलाके में रोहतक रोड पर स्थित एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। मृतकों और घायलों में ज्यादा महिलाएं थीं। पुलिस के मुताबिक आग पहली मंजिल पर लगी थी जबकि लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे हुए थे जिन्हें रस्सी और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। उसी दौरान आग की चपेट में आई एक महिला घबराहट में बिल्डिंग से नीचे कूद गई जिससे उसकी मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर पहुंचने में काफी समय लग गया। इस बीच पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाद में दमकल की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के तमाम फायर स्टेशन से 25 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। दरअसल मुंडका इलाके में मेन रोहतक रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 544 के सामने स्थित 4 मंजिला इमारत में यह हादसा हुआ। इस इमारत में सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली एक कंपनी का दफ्तर और गोदाम था और आग लगने के वक्त ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग यहां मौजूद थे जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। इमारत में आने जाने के लिए सीढ़ियों का एक ही रास्ता था। वहां रखे जनरेटर में आग लगने से धुआं पूरी इमारत में भर गया था इसलिए लोग सीढ़ियों के रास्ते बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस वालों ने लोगों की मदद से क्रेन लेकर बाहर की तरफ से ऑफिस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर रास्ता बनाया। इसके बाद रस्से बांधकर और क्रेन की मदद से एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया। धुआं के कारण और घिसटने से चोट लगने के कारण कुछ लोग जख्मी भी हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचे। अरविंद ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले 8 टेंडर भेजे, बाद में 25 किए और बाद में 30 टेंडर किए। करीब करीब 125 आदमी हमने इसमें काम में लगाए। 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर करी थी, मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसमें एक ही रास्ता था फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी वायर और ये थे। इस वजह से जो है फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। ये बताया जा रहा है कि उस टाइम में कोई मीटिंग हो रही थी और वो 40-50 लोग वहाँ पे थे, उनकी मीटिंग कर रहे थे जो भी मैनेजर या ओनर लोग थे। और जो है दरवाजा शायद बाहर से बंद था इसीलिए लोग ट्रैप हो गए, धुएं और आग की वजह से मारे गए। इसमें ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कल पता चला था बिल्डिंग का कोई नक्शा भी अप्रूव नहीं था और फायर एजेंसी मैंने बताया था फायर फाइटिंग कोई इक्विपमेंट नहीं था। हमारा रेस्क्यू काम पूरा हो चुका है, अब हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। सारे एरिया सर्च हो गया, अभी और कोई बॉडी रिमेन की वो मतलब मिलने की संभावना नहीं है। हादसा हुआ है यहाँ पे जहाँ इस फैक्ट्री में इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी, बहुत ही भीषण आग थी और कई लोगों लोग ऑन द स्पॉट जल के डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है, जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। स्पॉट पे तो रात भी आया था, जाम बहुत था, सुबह भी आए थे, अभी थोड़ा रास्ता खुला तो मैं ऐन मौके पे हूँ। रात जो सीढ़ियाँ लगाई थी लोगों को निकालने के लिए, वो सीढ़ी गांव वालों ने लगाई थी लेकिन बैकवर्ड से भी बैकवर्ड गांव में वो सीढ़ियाँ आज इस्तेमाल नहीं की जाती। उस सीढ़ी से आइडिया लगा लो कि हमारा लेवल क्या है, वो सीढ़ियाँ लगनी चाहिए थी। ऊपर फाइबर से भरा हुआ, टूट भी नहीं रहे, शीशा होता इवन लोहा भी फाइबर टूटना बड़ा मुश्किल है। एक ही रास्ता था, लोगों ने छलांगे दे मार के जान बचाई है। 100-125 लोगों ने फिर भी मिलके जो जो बच गए हैं शुक्र है, इंजर्ड है वो बच जाए शुक्र है, लेकिन मुआवजे से कोई काम नहीं चलेगा। इससे सबक लो, मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत दे दो, एक बच्चा मुझे वापस करके दिखाओ। हमें भी, मैं अपने आप को भी दोषी समझता हूँ, औरों को भी, जो एनओसी देते उसको भी, जो बिल्डिंग का मालिक उसको भी, जितना डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग से या ऐसी बिल्डिंग से एनओसी देने वाला, फायर डिपार्टमेंट से लेके सब, वो सब गुनाहगार है।